हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु और स्वागत है आपका मेरे चैनल कैटी अनुष में। सो आज की फिर से एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी है हैदराबादी स्पॉट इडली। नॉर्मल मसाला इडलीज, तवा फ्राई इडलीज आपने बहुत टाइप की खाई होंगी, बट ये स्पेशल इडली आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए देखते हैं हैदराबाद की सबसे फेमस स्पॉट इडली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और सुबह नाश्ते में ये सिर्फ आप 5 से 10 मिनट में आराम से अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को। सबसे पहले आप ढेर सारी वेजिटेबल्स ले लीजिए जो जो आपके घर में अवेलेबल है, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। अब फिर एक बाउल में एक बड़े चम्मच सूजी, एक चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच दही ले लीजिए। यहाँ पे मैंने पतले दही का यूज़ किया है, बहुत गाढ़ी दही का यूज़ नहीं करना है। और इसको अच्छे से पहले कंबाइन कर लीजिए, ध्यान रखिए इसमें लम्प ना रह जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बढ़िया सा बैटर तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो चावल का भी इसे बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सूजी से बनाया है। आपको इसे 5 से 10 मिनट तक का रेस्ट देना है, तब तक हम अपनी बाकी प्रिपरेशन अपने तवे पे कर लेंगे। सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, उसमें हम सबसे पहले बटर या फिर ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम सबसे पहले एक बड़े चम्मच राई के दाने डालेंगे। राई जैसे ही क्रैकल होने लगेगी, इसमें ढेर सारी करी पत्ते डाल देंगे या इसको अच्छे से पहले हम तवे पे भून लेंगे। ध्यान रखिए राई बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। इसके बाद हम इसमें अपनी सभी वेजीज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज डाले हैं, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। आप इसमें गाजर, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सभी वेजीज को अच्छे से आप पहले राई के दाने में मिक्स कर लीजिए और जब ये हल्का सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसे आप अच्छे से धीमे आँच पर भून लीजिए। सभी वेजीज के अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें अपने बाकी मसाले ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले हल्दी डाली है थोड़ी सी, अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके बच्चे तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो आप इसे अवॉइड करें। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने इडली के बैटर को देखेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी, इसमें हम इनो मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो खाने वाले सोडे का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें जिससे हमारी इडली एकदम इंस्टेंट फूल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने तवे पे। यहाँ पे हमारी पूरी वेजीज अच्छे से पक चुकी है। सभी को सेंटर में ला के इसके 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने इसे हाफ हाफ कर दिया है, जिससे कि आराम से हमारी इस पर 4 इडलियाँ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने पूरी वेजीज को अच्छे से सेट कर दिया है। इसके बाद सबसे मेन पार्ट, हम अपने इडली के बैटर को एक बड़े चम्मच की सहायता से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्लेस करते जाएंगे। तो यही है हमारी हैदराबादी स्पेशल स्पॉट इडली, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस समय हैदराबाद में, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी भी होती है और साथ ही साथ बच्चों के लिए हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी वेजीज़ हैं। इस तरीके से आप पूरे इडली के बैटर को इस तरीके से इस पर प्लेस करते जाएँ। ध्यान रखें ये एक दूसरे से मिक्स ना हो, और इसके ऊपर हम अपने अनुसार कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैगी मसाले डाले हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे और तब तक हम अपनी चटनियाँ तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक मिक्सचर में 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़े से अदरक का टुकड़ा, ढेर सारी धनिया पत्तियाँ और नारियल ले लिया है। इडली के साथ हमेशा नारियल की चटनी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं इसके साथ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इडलियाँ एकदम इंस्टेंट फूल के तैयार हो गई हैं। हम इसे अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि ये बिल्कुल आपस में चिपकनी नहीं चाहिए, और इसे आप आराम से हाथ की सहायता या स्पैचुला से अच्छे से पलट लें। ध्यान रखिए ये टूटे नहीं, और इसे इस तरीके से पलट लें ताकि ये दूसरे साइड से भी एकदम हल्का सा रोस्ट हो जाए। अब हम इस मोड पर गैस फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो अपने बच्चों को इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे गेस्ट को सर्व करना चाहते हैं तो नारियल की चटनी बेस्ट ऑप्शन है। हमारी स्पॉट इडली बनकर एकदम तैयार है, नारियल की चटनी भी बनकर तैयार है। चलिए इसे प्लेटिंग के लिए सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक अच्छे से वाइट प्लेट ले लिया है। अब इसमें हम अपनी सभी स्पॉट इडलीज को 1 by 1 प्लेस करते जाएंगे। ध्यान रखिए आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से प्लेन एंड सिंपल तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ एज ए गेस्ट। यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है हमारी हैदराबादी स्पॉट इडली, और ये रही हमारी स्पेशल नारियल की चटनी। हम इसे नींबू, अनियन या फिर और भी किसी चीज़ सैलड्स के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे एक बार घर में ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है और एक नई रेसिपी भी है। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी इडलीज पे हल्का सा बटर आप अच्छे से गार्निश कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डोंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को ऐसे यमी नाश्ते दे सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।